हेलो बच्चे, देखिए अतुल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम होते हैं, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है, आज उसको हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। देखिए अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति होती है आपकी जब वस्तु अनंत पे रखे हों, दूसरी स्थिति होती है अनंत में सी के बीच रखे हों, तीसरी स्थिति होती है जब वस्तु सी पर रखे हों, चौथी स्थिति होती है जब वस्तु सी तथा यप के बीच रखे, पांचवी स्थिति होती है जब वस्तु यह पर रखी हो, छठी स्थिति होती है यह तथा पी के बीच रखी हो। एक ट्रिक के साथ हम देखेंगे कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बड़ा और बराबर कौन कौन बनता है। तो आइए जब देखो, जब वस्तु अनंत पर रखे हैं तो अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ये आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। दूसरी स्थिति देखो क्या है कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना था, सी तथा यप के बीच बनना था, मतलब अनंत और सी के बीच, अनंत व सी के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, सी तथा यप के बीच बन रहा था। तीसरी स्थिति कहाँ बन रहा है, जब वस्तु सी पर रखे थे तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर बन रहा था। चौथी स्थिति सी तथा यप के बीच, ये वाली है तो ये कहाँ बन रहा है, अनंत और सी के बीच बन रहा है। पांचवी स्थिति है जब फोकस पे रख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये सी नहीं है, ये आपका अनंत, तो अनंत बन रहा है। और छठी स्थिति जो है यफ व पी के बीच रख रहे थे तो पी मतलब दर्पण के पीछे पीछे बन रहा था, किसके, दर्पण के पीछे, है ना, तो दर्पण के पीछे बन रहा था। अब बात आती है कि वस्तु से छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा। तो अब यहां ध्यान से देखो, कल भी बताए थे आज फिर बता रहे हैं, जब हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे तो ये माइनस, और दाएं से बाएं आएंगे तो प्लस होगा, क्योंकि दाहिना हमेशा मजबूत होता है। इस तरीके से याद रखिएगा। फिर देखो ये वाला क्या होगा, माइनस होगा और इधर से ये। अब देखो सी और सी आपस में क्या है, तो सी और सी आपस में बराबर है। पी का मतलब होता है पीछे, और पीछे वाला हमेशा बड़ा होगा, मतलब आभासी और सीधा बनता है। अब आइए इस ट्रिक में समझो कि क्या बन सकता है। जब वस्तु अनंत पे रखे थे तो अनंत पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब आपका फोकस पे बन रहा था, कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और देखो पांच है और ये एक है, मतलब यहां से भी आप याद कर सकते हो कि पांच का एक का मतलब पांच से एक छोटा है, तो मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, छोटा बनेगा। दो नंबर में ध्यान दीजिए, जब अनंत और सी के बीच रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब चेक करते हैं तो यहाँ आ रहा दो नंबर, मतलब सी और यफ के बीच बन रहा है, सी और यफ के बीच बन रहा है, मतलब चार से दो छोटा है, मतलब ये प्रतिबिंब भी क्या होगा, छोटा होगा। तीसरा जो है सी पर रखे थे तो सी पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर ही बन रहा है। और चार नंबर पे देखो क्या है, सी तथा यफ के बीच रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सी और यफ के बीच रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और सी के बीच में बन रहा है। कैसा बनेगा, दो से चार बड़ा है इसलिए प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, इसलिए प्लस का साइन लगा दिया। पांच नंबर में देखो, जब वस्तु हम फोकस पे रख रहे थे तो फोकस पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब पांच से पांच यहाँ मिलाओगे तो यह वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत है। सबसे शॉर्टकट तरीका ये है याद करने का। और देखो यफ और पी के बीच में रखा है तो यफ और पी का मतलब छह नंबर में, तो ये छह नंबर पीछे चला गया है, और जो दर्पण के पीछे बनती है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु से अत्यंत बड़ा होता है, तो ये बड़ा मान लिया जाएगा, अत्यंत बड़ा।